हेलो, गुड मॉर्निंग। कल हम हीलियम नियॉन लेजर के बारे में विचार कर रहे थे एंड वी हैव सीन सम ऑफ द पोर्शंस रिलेटेड टू हीलियम नियॉन लेजर। इस लेजर में ऑब्वियसली देयर इज ए हीलियम एंड नियॉन। हीलियम इज ए गैस, नियॉन इज ए गैस, सो इट इज ए गैस लेजर। हाउ डज वी गेट द लेजर रेडिएशन इन द केस ऑफ हीलियम नियॉन लेजर, कैसे ये मिल जाता है? तो इसके लिए हम एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लेते हैं, शीशे का बना हुआ होता है, शीशे का एक इनक्लोजर लेते हैं और इस हम सीधे इसके कंस्ट्रक्शन डिटेल पे आ जाते हैं। ये हम ऑलरेडी पोर्शन कर चुके हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। वी टेक ए डिस्चार्ज ट्यूब ऑफ ग्लास, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स फ्यूज किए हुए रहते हैं, फ्यूज कर दिए जाते हैं, इसको परफेक्टली इवैक्यूएट कर दिया जाता है और फिर इसमें हीलियम और नियॉन गैस को भरा जाता है इन द रेशियो 7:1 और फिर एक निश्चित प्रेशर पे इसको रखा जाता है एट ए प्रेशर ऑफ 1 bar। सो हीलियम और नियॉन गैस आर फिल्ड इन दिस डिस्चार्ज ट्यूब इन द रेशियो 7:1 एट ए प्रेशर ऑफ 1 bar। 1 bar प्रेशर का मतलब होता है 1 mm ऑफ द मरकरी। इलेक्ट्रोड्स के ऊपर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के लिए हाई फ्रिक्वेंसी एसी सिग्नल को लगाया जाता है। तो यह हो गया एक्टिव मटेरियल हीलियम नियॉन इन द रेशियो ऑफ 7:1 एट ए प्रेशर ऑफ 1 bar। ये हो गया ऑप्टिकल पंपिंग के लिए सोर्स फॉर द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हाई फ्रिक्वेंसी एसी सिग्नल एंड थर्ड रिक्वायरमेंट इज द ऑप्टिकल रेजोनेटर। तो एक एंड को हम परफेक्टली सिल्वर कर देते हैं और दूसरे एंड को पार्शियली सिल्वर करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ द हीलियम नियॉन लेजर और इस कंस्ट्रक्शनल डिटेल के कारण हम ये जान गए कि हीलियम नियॉन लेजर बनता कैसे। अब ये कैसे काम करता है, कैसे लेजर लाइट हमको प्राप्त होता है, इसके लिए हमको इसका एनर्जी लेवल डायग्राम कंसीडर करना पड़ेगा। तो पहले हम एक एक करके कंसीडर करते हैं। इट इज़ द एनर्जी लेवल डायग्राम कंसर्निंग द हीलियम। दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एंड दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ नियॉन। दोनों के ग्राउंड स्टेट है, दोनों मिक्स्ड हैं, इसलिए इस लाइन को मिला भी सकते हो। इट इज़ द सेम ग्राउंड स्टेट ऑफ आइदर हीलियम और नियॉन। रेफरेंस वोल्टेज इसका 0 eV हम मानते हैं। दिस इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द एनर्जी लेवल डायग्राम्स विच आर अपियरिंग ऑन द राइट हैंड साइड इज द एनर्जी लेवल्स करेस्पॉन्डिंग टू नियॉन। अब कैसे लेजर रेडिएशन हम प्राप्त करते हैं उसको समझिए। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू इतनी एनर्जी हमको प्राप्त हो जाती है कि दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाई हीलियम एंड इट इज एक्साइटेड टू इट्स एक्साइटेड स्टेट। बाय द वे, यह जो एक्साइटेड स्टेट होता है ये मेटास्टेबल स्टेट होता है। अब आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, जिसकी वैल्यू एनर्जी वैल्यू है 20.61 eV, कि ये हीलियम है तो हीलियम में मेटास्टेबल स्टेट कैसे आ गया? ये इम्प्योरिटी के थ्रू आती है। तो एक्चुअली जो हीलियम लेते हैं कुछ न कुछ इसमें इम्प्योरिटी रहती है और उस इम्प्योरिटी के कारण एक मेटास्टेबल स्टेट ऑलरेडी इसमें होता है जिसकी एनर्जी वैल्यू है 20.61 eV। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है, हीलियम का एटम उसको एब्जॉर्ब करता है और एक्साइट होकर के अपने एक्साइटेड स्टेट को पहुंच जाता है यहाँ पर 20.61 eV तक। अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो चुका है या उसके पहले भी हीलियम और नियॉन गैस हैं तो चलते हुए एक दूसरे से टकराते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं और इस कोलिजन में इतनी एनर्जी उसको प्राप्त हो जाती है, हीलियम से ट्रांसफ़र होकर के नियॉन को चली जाती है कि नियॉन 20.61 eV से उठ करके, स्लाइटली उठ करके 20.66 eV लेवल पर पहुंच जाता है, नियॉन के एनर्जी लेवल पर पहुंच जाता है। ये नियॉन का भी मेटास्टेबल स्टेट है। देखिए एनर्जी लेवल का कितना कम डिफरेंस है,
20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल, इट इज स्लाइटली हायर, इट इज स्लाइटली लोअर. और कितना हायर है? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द डिफरेंस 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द डिफरेंस इज 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जब आपस में टकराते हैं तो टकराने पर इतनी एनर्जी हीलियम से नियान को ट्रांसफ़र हो जाती है कि वह इस लोअर एनर्जी स्टेट ऑफ हीलियम से उठ करके अपर एनर्जी स्टेट ऑफ द नियान पर पहुंच जाता है, और इस तरह से ट्रांसफ़र हो जाता है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले एनर्जी लेवल से 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले एनर्जी लेवल पर ट्रांसफ़र हो जाता है. यह भी नियान का मेटास्टेबल स्टेट ही है. मेटास्टेबल स्टेट का मतलब देर तक यहाँ एटम रह सकता है, मिली सेकेंड के क्रम तक. तो इस बीच में ये कोलिजन होती रहती है, हीलियम नियान चल रहे हैं, टकराते हैं, हीलियम से एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है नियान को, और नियान के ढेर सारे एटम इस मेटास्टेबल स्टेट में पहुँचते रहते हैं. एक्साइट आपने हीलियम के एटम को किया, लेकिन पहुंच रहा है नियान का एटम, और नियान का एटम यहाँ पहुंचता रहता है. समय के साथ उसकी संख्या बढ़ती जाती है, और इसलिए पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन क्रिएट हो जाती है. मुझे फिर एक्सप्लेन करने दीजिए. 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ए लिटिल बिट हायर, पर कैसे एटम पहुँचता है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से? तो ये कोलिजन के थ्रू पहुंचता है. हीलियम और नियान आपस में एक दूसरे से टकराते हैं. इस टकराहट के दौरान सम एनर्जी फ्रॉम द हीलियम एटम इज बीइंग ट्रांसफर टू द नियान वन, एंड नियान गेट्स एक्यूमुलेटेड एट एनर्जी लेवल ऑफ 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ए कंडीशन करेस्पॉन्डिंग टू पॉपुलेशन इन्वर्जन इज क्रिएटेड. समय के साथ नियान के ज़्यादा से ज़्यादा एटम इस एनर्जी लेवल पर इकट्ठे होने लगते हैं. जब अच्छी खासी संख्या यहाँ इकट्ठी हो जाती है, तो एक एक्सटर्नल फोटॉन 6328 एंगस्ट्रॉम का, अब फिर 6328 कहाँ से आया? यह एनर्जी लेवल है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके लोअर एक्साइटेड स्टेट की फिर कई हैं. दिस इज द ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट एंड देन मेटास्टेबल स्टेट. तो इन दो के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो एनर्जी डिफरेंस आएगा उसके करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू 6328 एंगस्ट्रॉम आता है. तो एक एक्सटर्नल फोटॉन ऑफ वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम इज बीइंग इंसिडेंट, और जब इंसिडेंट करते हैं तो यह फोटॉन उन सारे एटम्स को जो 20.66 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी लेवल पर अवस्थित होते हैं, लाई करते हैं, सारे के सारे स्टिमुलेट हो जाते हैं, एंड आफ्टर स्टिमुलेशन दे कम टुगेदर टू द लोअर एनर्जी स्टेट ऑफ द वैल्यू 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ढेर सारे एटम एक साथ इकट्ठे ट्रांजिट करते हैं 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले लेवल से 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले लेवल पर. तो इसलिए हमें इंटेंस रेडिएशन, एम्पलीफाइड रेडिएशन इन फेज प्राप्त हो जाता है. तो एक हमें लेजर की लाइट प्राप्त होती है, लाइट एम्पलीफाइड लाइट प्राप्त होती है, लाइट एम्पलीफिकेशन एंड द प्रोसेस इज स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. और इस तरह से लेजर की किरण हीलियम नियान लेजर में हमें 6328 एंगस्ट्रॉम की प्राप्त हो जाती है. आपने एक्सपेरिमेंट भी किया है लैब में, हीलियम नियान सोर्स का प्रयोग किया है, और हीलियम नियान सोर्स के एक्सपेरिमेंट में विशेष करके विड्थ ऑफ द सिंगल स्लिट जब आपने निकाला था, तो टू डिटरमिन द विड्थ ऑफ द सिंगल स्लिट में लैम्डा की वैल्यू हीलियम नियान सोर्स का प्रयोग करते हो, तो आप वहाँ पर 6328 एंगस्ट्रॉम का प्रयोग भी किए हुए हो. तो इस तरह से लेजर की किरण हमको प्राप्त हो जाती है 6328 एंगस्ट्रॉम की, हाईली इंटेंस इन फेज कोहरेंट रेडिएशन प्राप्त हो जाता है.
अभी एटम यहाँ रुकेगा नहीं, एक्साइटेड स्टेट है, रुक नहीं सकता। जब तक कि एटम अपने ग्राउंड स्टेट तक लौट नहीं आएगा तब तक ये यहाँ रुकेगा नहीं। तो यहाँ से फिर स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन के थ्रू नेक्स्ट लोअर एनर्जी स्टेट पर आता है। और ये स्पॉन्टेनियस इमिशन का मतलब रैंडमली वन बाई वन ये ट्रांसफ़र होता है। तो इस ये स्पॉन्टेनियस इमिशन की इंटेंसिटी बहुत कम होती है। एक एंड को पार्शियली सिलवर्ड आपने किया है, वहाँ रुक जाती है, ये बाहर नहीं निकलती, तो केवल रेडिएशन 6328 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है। फिर ये यहाँ भी नहीं रुकता, इसको ग्राउंड स्टेट तक लौटना है, तो इन दो एनर्जी लेवल के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसके करस्पॉन्डिंग फिर एनर्जी रिलीज होती है। और यह एनर्जी नियान के न्यूक्लियर वाइब्रेशंस को बढ़ाने में खर्च हो जाती है। जैसे रूबी लेजर में मैंने अर्थ बताया था कि रेडिएशन लेस ट्रांजिशन क्यों कहलाता है, तो ये उसी ढंग का रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है, ये हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है। और इस तरह से हीलियम नियान लेजर से हमें एक लेजर के किरण जिसकी वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम होता है वह हमें प्राप्त हो जाती है। ये 6328 एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट आपने कराया बाहर से, ज़रूरी नहीं कि बाहर से इंसिडेंट कराएं। बहुत सारे एटम यहाँ पर इकट्ठे हो गए, मिली सेकेंड तक इकट्ठे रहेंगे। पहला एटम जब लोअर डाउन होता है तो वह एक इमिशन करेगा 6328 का। यह जो पहला एटम का जो इमिशन प्राप्त होता है 6328 एंगस्ट्रॉम का, यही स्टिमुलेट कर देता है उन सारे एटम को जो एक्साइटेड स्टेट में अवस्थित होते हैं, वो सारे के सारे एक साथ नीचे चले आ जाते हैं। और इस तरह से हमें इंटेंस इन फेज रेडिएशन 6328 एंगस्ट्रॉम का प्राप्त हो जाता है। स्पॉन्टेनियस इमिशन डिस्चार्ज ट्यूब से बाहर नहीं निकल पाती, एक एंड परफेक्टली सिल्वर्ड है, एक एंड पार्शियली सिल्वर्ड है, और ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है। ग्राउंड स्टेट से शुरू किया और फिर ग्राउंड स्टेट तक लौट आया, प्रक्रिया समाप्त हुई, और इस प्रक्रिया में हमें एक लेजर की किरण प्राप्त हो गई 6328 एंगस्ट्रॉम की। इस किरण की और क्या विशेषता है ये फिर हम बाद में आपको बताएंगे। सो दिस इज़ फॉर टुडे ओनली। थैंक यू वेरी मच।